हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अरोरा आईएएस यूट्यूब चैनल। 15 मंथ स्ट्रेटजीज प्रोग्राम में आज हम डिस्कवर करने वाले हैं कुछ एनवायरनमेंट के टॉपिक्स जो कि जनवरी से जून 2019 तक दिया गया है। तो इसके बारे में पहले बता दूं कि हमारे एनवायरनमेंट सीरीज जो कि यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है, 35 लेक्चर सीरीज, और सप्लीमेंट करिएगा PDF जो कि हमारे वेबसाइट चैनल www.aroraias.com पर फ्रीली अवेलेबल है। वो भी डाउनलोड करके सप्लीमेंट करिएगा करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन एनवायरनमेंट के, जहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही लूसिड और इजी लर्निंग स्टाइल में बता दिया गया है। तो चलिए आज का इस सेशन एनवायरनमेंट के बारे में शुरू कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक होगा सिनेरियस वल्चर और रेयर वल्चर्स। इस वाले जो डायग्राम में आप देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटीज ऑफ वल्चर्स आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि यूरेशियन वल्चर, रेड हेडेड, लैंगेरियन, ओरिएंटल, स्लेंडर बिल्ड वल्चर क्या होती है। तो बहुत सारे वैरायटीज ऑफ वल्चर्स हैं और इनको अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था, झारखंड हजारीबाग में, वहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने सिनेरियस वल्चर, एक वैरायटी ऑफ वल्चर को वहाँ पे हमने देखा, तो नोटिस किया, तो इसीलिए वल्चर का टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है। तो वल्चर का टॉपिक जैसे शुरू करते हैं, तो सिनेरियस वल्चर क्या है, कहाँ पे पाए जाते हैं, यूजुअली यूरोप के अंदर, जहाँ पे वार्म एरियाज ऑफ एशिया तक वहाँ पे भी देख सकते हैं हम, और विंटर के टाइम पे भी इंडिया में हम देख सकते हैं। और ये माइग्रेट होती है वार्म एरियाज, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये कोल्ड एरियाज में पाई जाती है ना, जब ज़्यादा विंटर हो जाती है कोल्ड एरियाज में, पोलर एरियाज में, तब वो ट्रॉपिकल एरियाज तक वो माइग्रेट करके पहुंच जाती है। तो इसीलिए ये सिनेरियस वल्चर यूरोप और एशिया में भी ज़्यादा पाई जाती है। इसका जो कैटेगरी लिंक है वो है साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 2 में, मतलब नियर थ्रेटेंड वाली कैटेगरी में है। नियर थ्रेटेंड मतलब एक्सटिंक्ट होने का या फिर एंडेंजर्ड होने का बहुत नज़दीक वाले लिस्ट में है, इसीलिए इसको अपेंडिक्स 2 में दिया हुआ है। फिर आते हैं हिमालयन ग्रिफॉन के बारे में। हिमालयन ग्रिफॉन एक ऐसी वैरायटी है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैं मेंशन करने वाली हूँ, हिमालयन ग्रिफॉन, ये वैरायटी ऑफ वल्चर है जो कि ये इसका जीनस मतलब फैमिली नाम जिप्सीज कहते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, 1500 और 4000 मतलब 4000 मीटर एलिवेशन माउंटेन्स के वहाँ पे देख सकते हैं, हिमालयस और सेंट्रल एशियन माउंटेन्स के वहाँ पे ये माइग्रेट करती है नॉर्थ इंडिया के अंदर, और ये पॉइजनिंग और डिक्लाइन जो बाकी वल्चर्स की वजह से हो जाती है ये इसके अंदर नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हाई एलिवेशन में पाई जाती है। इसका भी स्टेटस IUCN रेड लिस्ट में नियर थ्रेटन स्टेटस पे है इसका जो हिमालयन ग्रिफॉन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बार बार स्क्रीन के ऊपर ये येलो वाली लाइन इसीलिए नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप जब इस स्लाइड को पढ़ रहे हो मेरे साथ ही साथ, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर मैं बार बार इसको स्क्रीन पे ऐसे येलो लाइन में दिखाती रहूँगी। तो इसीलिए जहाँ पे भी रेलेवेंट है तभी मैं अंडरलाइन करके आपको बता रही हूँ, ये समझ लीजिएगा। और दूसरी बात, अगर किसी को लग रहा है कि मेरी जो वॉल्यूम स्पीड है या फिर जो स्पीड मेंशनड है जो बहुत ज़्यादा जल्दी बोलती हूँ, तो आप प्लेबैक स्पीड पे YouTube के सेटिंग्स पे जाके प्लेबैक स्पीड आप कम भी कर सकते हो, ताकि आपकी सेशन अच्छे से सुन सको। देखिए मैं बहुत धीरे बोलूँगी तो क्या होगा, ये सेशन एक घंटे तक चली जाएगी, क्योंकि टॉपिक्स इतने ज़्यादा हैं और दो साल से जो करंट अफेयर्स न्यूज़ आ रही है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में आती है, तो इसको कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाए कि एक एक घंटे क्लास आप भी नहीं देख पाओगे। इसीलिए इसको छोटे छोटे भागों में हमने डिवाइड करके आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तो आप ज़रूर सेटिंग्स के वहाँ पर जाके प्लेबैक स्पीड यूज़ करके आप इसके लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए इस सेशन में, तो हिमालयन ग्रिफॉन के बारे में हमने पढ़ लिया जो कि हिमालयस में ज़्यादा पाई जाती है। तो उसके बाद आते हैं वाइट रम्प वल्चर के बारे में, जो कि इसके अंदर वाइट इंडियन वाइट बैक्ड ओरिएंटल वल्चर्स भी आते हैं। तो इस वाले कैटेगरी, ये ज़्यादा साउथ ईस्ट ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया के अंदर पाई जाती है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसीलिए अपेंडिक्स 1 लिस्ट में आती है साइट्स के अंदर, जो कि IUCN रेड लिस्ट के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब आते हैं लास्ट वाले जैसे वेराइटी है, जो कि कहते हैं कि लॉन्ग बिल्ड वल्चर। लॉन्ग बिल्ड वल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ही स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल वल्चर्स है, मतलब छोटे हाइट की होती है, एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर टू नेपाल टू असम, इस वाले गैंजिस रिवर के रीजन पे ज़्यादा पाई जाती है, एंड देन ये लोअर माउंटेन्स के रीजन में, क्योंकि इतनी लाइट हाइट नहीं होती है ना, तो लोअर हिमालयस के हाइट में, मतलब प्लेन्स के एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसकी भी कैटेगरी जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, CE मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाले लिस्ट में IUCN रेड लिस्ट में देखा जाएगा। तो आते हैं एशियन वर्ल्ड वाटर बर्ड सेंसस और मेजर वाटर बर्ड स्पीशीज। अब रिसेंटली अपर कुतनाट रीजन, मतलब जो कि केरला वाले रीजन में, वहाँ पे एक वाटर बर्ड सर्वे
किया गया था वहाँ पे, ये देखा कि वहाँ के वाटर बर्ड्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि पानी जो वाटर बॉडीज के अंदर, लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर घटती रहती है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स के कारण। तो इसीलिए वाटर जैसे कम होती जाएगी, बर्ड्स भी वहाँ पे ज़्यादा पाई नहीं जा रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये न्यूज़ में इसीलिए थी। यहाँ पे हमने, हमको पढ़ना चाहिए एक एशियन वाटर बर्ड सेंसस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि काउंट करती है कि कितने वाटर बर्ड्स, मतलब वाटर के आसपास में कितनी बर्ड्स पाई जाती है। ये हर जनवरी में एनजीओ की तरह सारे वॉलंटियर्स में, तो आप भी भाग स्वयं ले सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। ये वाटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसेस और वेटलैंड्स इंटरनेशनल, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक प्रोग्राम कंडक्ट करती है। कहाँ पे? अफ्रीका, यूरोप, वेस्ट एशिया, नियो ट्रॉपिक्स और कैरेबियन रीजन्स में। और ये शुरू हुई थी 1987 से लेकर अब तक हर जनवरी, हर साल जनवरी में कहीं ना कहीं रीजन्स में वॉलंटियर्स पहुंच जाते हैं, वहाँ पे गिनते हैं कितने वाटर बर्ड्स, मतलब जैसे कि वल्चर्स आ गए, या फिर कुछ स्टॉक्स आ गए, या फिर कुछ स्वैन्स, डक्स, और कितने प्रतिशत घट रही है या फिर बढ़ रही है, वो सारा कुछ देखेगी इस वाटर बर्ड सेंसस के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे वेराइटीज़ हैं जो कि इंडिया में भी पाई जाती है, क्योंकि इंडिया का जो वाटर रिच कंट्री है और हमारे जो कोस्ट लाइन लेंथ भी है 7,500 किलोमीटर्स, इसके कारण हमारे इंडिया के अंदर भी ब्लू चेक बीट, कॉमन वाटर बर्ड्स लाइक वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, पर्पल हेरॉन एंड इंडियन कॉर्मोटॉन्ट, कॉमन सैंड पाइपर, पेंटेड स्टॉर्क, ग्रे हेरॉन, ऐसे बहुत सारे वाटर बर्ड्स हमें, हमारे यहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वाले टॉपिक, ग्रासलैंड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ग्रासलैंड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स मतलब ये शॉर्ट हाइटेड ट्रीज होते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ये इसकी 700 मीटर्स तक इसकी हाइट होती है। इसको कहते हैं शोला इकोसिस्टम। शोला इकोसिस्टम इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रॉपिकल पे माउंटेन्स में पाई जाती है, वैली रीजन्स में, और ये माउंटेन्स में होते हैं, पर इसकी फॉग और मिस्ट ज़्यादा इसके अंदर प्रभाव नहीं दिखा सकती है, क्योंकि ये ग्रासलैंड शॉर्ट हाइटेड ट्रीज होते हैं। ये सिर्फ साउथ वेस्टर्न घाट्स में ही ज़्यादा पाई जाती है, ये फॉरेस्ट जो शॉलो इको फॉरेस्ट कहते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ के कारण बहुत ही रिच हेरिटेज होता है। यहाँ पे पाइन, एकेशिया, यूकलिप्टस ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड 25% अभी आजकल क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बाकी प्रदेश से जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इन्वेजिव स्पीसीज या फिर एक्जॉटिक स्पीसीज जो कहते हैं ना, उनके कारण इनकी जो यहाँ पे लोकेशन पे जो शोला इकोसिस्टम बन रही है, इनकी बहुत नुकसान हो रही है। ये है टॉपिक इन्वेजिव स्पीसीज। अभी आते हैं इन्वेसिव स्पीसी के बारे में, क्योंकि अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना कि वेस्टर्न घाट शोला इकोसिस्टम डिटीरियट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एक्जॉटिक स्पीशीज के कारण। अब आते हैं इन्वेसिव स्पीसी या फिर एक्जॉटिक स्पीशी होती क्या है और क्या क्या हो रही है। आजकल न्यूज चल रही है कि ब्लैक स्ट्रिप म्यूजल एक इन्वेसिव स्पीसी है, जो कि हमारे कोची के अंदर बहुत, वहां पे बहुत थ्रेट दिखा रही है। क्या है ये ब्लैक स्ट्रिप म्यूजल, ये देख लेते हैं अगले वाले स्लाइड में। थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि इन्वेसिव ये इन्वेसिव स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये क्या करती है, ये शिप के नीचे है ना, और ब्लास्ट वाटर के नीचे ना, ये पकड़ लेती है शिप को। उसके कारण होता क्या है, शिप जैसे वो शिप को पकड़ लेती है, और जैसे वो शिप दूसरी जगह पे चली जाती है, जैसे कि मान लीजिए इंडोनेशिया पे पकड़ लिया ये मोलस्क जो है, मतलब म्यूजल जो है, इसने पकड़ लिया शिप को और ट्रैवल कर देती है कोची तक, और कोची के अंदर डंप हो जाती है। कोची जैसे उस वाटर्स में पहुंच जाती है, ये म्यूजल इन्वेसिव स्पीसी वहां के इकोसिस्टम को थ्रेटन करती है। तो इसी के कारण ये इन्वेसिव स्पीसी बनता है। इस वाले जो डायग्राम में देख रहे हो ना, यही है ब्लैक स्ट्रिप म्यूजल, जिसको एक बायोफ्यूल बाइवेल्व भी कहते हैं। और बायोफ्यूल बाइवेल्व क्या होता है, एक ऐसी ऑर्गेनिज्म जो कि अंडर वाटर ज़्यादा पाई जाती है, और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली नुकसान हो जाता है। उस वाले चीज़ों को हम बायोफाउलिंग बाइवेल कहते हैं। तो इसकी थ्रेड क्या है, ये तो खा नहीं सकते हैं, और ये पेस्ट की तरह काम करती है। जैसे कीड़े हो जाते हैं हमारे प्लांट्स के ऊपर, ठीक वैसे उस सिस्टम में जहाँ पे भी ये इंट्रोड्यूस हो जाती है, उस सिस्टम का भी बहुत नुकसान करती है। तो ये कहाँ पे ज़्यादा रीच होती है, उसकी अवेलेबिलिटी वेस्टर्न अफ्रीका, जापान एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये है इन्वेसिव स्पीसी के बारे में। अब आते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्यों न्यूज़ में था, इंडिया रिसेंटली 3 places जंप कर लिया, 11th पोजीशन पे आ गए। अभी इस साल का जो 2019 का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स था, ये क्या इसका रैंकिंग के हिसाब से स्वीडन इसने फर्स्ट रैंक पे आ गया, उसके बाद मोरक्को एंड देन लिथुआनिया। अब बॉटम 5 countries कौन है, सऊदी अरेबिया,
एंड देन यूएस, ईरान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये कंट्रीज में बहुत ज्यादा टर्मोइल चल रही है, तो इसी कारण इनको बॉटम फाइव में कर दिया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से ये कुछ रोक नहीं रहे हैं, उनकी जो एनर्जी इफिशियंसी बढ़ती नहीं है, तो इसीलिए इनको बॉटम फाइव में कर दिया। अब इंडेक्स, ये सारे न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इंडेक्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये इंडेक्स इसको देखती है कि कितना ट्रांसपेरेंसी है, कितना ट्रांसपेरेंट है हमारे जो क्लाइमेट पॉलिटिक्स के बारे में, जितना हम बात करते हैं क्या इतना ही हम पॉलिसीज लेके आ रहे हैं कि नहीं उस कंट्री के अंदर। ये मेजर करती है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, और ये कौन परफॉर्म करता है, मतलब मेजर कौन करता है, जर्मन वॉच, कैन इंटरनेशनल और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, तीनों मिलकर एक एनुअली पब्लिश करते हैं डेटा को, हर साल रैंकिंग देते हैं। इस साल 11th पोजीशन पे पहुंच गई इंडिया, और ये 56 कंट्रीज और ईयू को साथ में लेकर इसका एनुअली पब्लिश करती है रैंकिंग्स, और चार कैटेगरीज में इसको रैंकिंग देती है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, रेन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूसेज और क्लाइमेट पॉलिसी के अंदर, इस चार भागों में कैटेगरीज के अंदर रैंकिंग देते हुए परफॉर्मेंस ट्रैक करती है। अब इंडिया का रैंक 11 है, स्वीडन टॉप पोजीशन में आ गए। अब आते हैं यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में। अब रिसेंटली आंध्र प्रदेश के वहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल ज़्यादा पे देखा गया था, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन थे उस टाइम पे, तो इसीलिए ये न्यूज़ में बहुत चर्चा में हर साल होती रहती है। तो आंध्र प्रदेश वाले न्यूज़ में ऑलिव रिडली टर्टल्स कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, यूजुअली हमारे जो उड़ीसा के बॉर्डर पे वहाँ पे ज़्यादा इसकी मास नेस्टिंग अरीबड़ा कहते हैं। अरीबड़ा मतलब इस जहाँ पे वहाँ पे आके उस वो एग ले करती है, उसकी घर बनाती है, सीजनल वेरिएशन के हिसाब से उसको अरीबड़ा कहते हैं। तो ये ट्रॉपिकल वार्म वाटर स्पेसिफिक और इंडियन ओशन पे ज़्यादा पाए जाते हैं। एज स्मॉलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट है, ये बहुत ही अबंडेंट है पैसिफिक और उस वाले बॉर्डर पे, और ये यूजुअली कोस्ट ऑफ उड़ीसा में ज़्यादा पाई जाती है, और रिसेंटली आंध्र प्रदेश में भी देखा गया था। इसकी कंजर्वेशन लिस्ट में नाम देखोगे तो ये वंडरबल कैटेगरी में आती है आईयूसीएन के अंदर। ये आंध्र प्रदेश में कहाँ पाया गया था, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे मैंग्रोव्स भी बनती है, और कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आंध्र प्रदेश में भी है, ये दोनों जगह पे पाई गई थी। तो ये है ऑलिव रिडली टर्टल्स। अब आते हैं वाटर हाइनथ के बारे में। हाइनथ एक ऐसी प्लांट है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये खूबसूरत ही लग रहा है, पर इसके कारण क्या होता है ना, जहाँ पे भी मतलब इसके नीचे पानी है फ्रेंड्स, एक लेक के ऊपर ना वाटर हाइनथ एकदम लोटस प्लांट की तरह पूरा कब्जा कर लेते हैं। उसकी वजह से होता क्या है, बाकी जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं उसके आसपास में, उसको न्यूट्रिशन कम मिलेगी, क्योंकि यही सारा खींच लेती है सॉयल और वाटर से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, इसीलिए इसको इन्वेसिव स्पीसी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फिशिंग को ख़त्म कर लेती है, और ऐसे कारण रिसेंटली पुणे के अंदर कतरज लेक है, एक कतरज लेक और पिचोला लेक उदयपुर और उलसूर लेक बैंगलोर में, इन तीनों जगह जहाँ पे भी लेक पोल्यूशन हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि इसके कारण वाटर हाइनथ के कारण। ये फ्लोटिंग प्लांट है, लार्ज पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर्स इसके होते हैं उसके ऊपर, एंड ये लेक्स, एस्चुरीज, वेटलैंड्स, मार्शेस और पॉन्ड्स, डैम्बोस एंड स्लो फ्लोइंग रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड वाटरवेज पे ज़्यादा पाई जाती है। और ये कहाँ पे ज़्यादा होती है, जहाँ पे भी न्यूट्रिएंट यूट्रोफिकेशन ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे ज़्यादा ये पाई जाती है। तो आप यूट्रोफिकेशन के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा, यूनिट वन पोर्शन हमने एनवायरमेंटल सीरीज में बहुत अच्छे से कवर किया है, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, तब आपको स्टैटिक वाले पोर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसका कंसर्न सिर्फ इंडिया पे ही नहीं है, अमेजॉन रिवर पे भी देखा जाए तो वहाँ पे ब्राज़ील में भी नेटिव इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, ये वाटर बॉडीज को चोक कर देती है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स ये खींच लेगी। इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखोगे तो बहुत एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी का नुकसान करते हुए, वाटर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी, रिक्रिएशन ऑफ इरीगेशन एंड बहुत सारे इवेपो ट्रांसपरेशन रेट्स ज़्यादा बढ़ाना, और हेल्थ रिस्क भी इसके कारण होता है। और कुछ और ऐसे इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो कि इंडिया में भी ज़्यादा पाए जाते हैं, रिसेंटली न्यूज़ में भी है, उनका नाम है लैटिना बैटल एंड पाइन। अब आते हैं खड़कनाथ चिकन, और खड़कनाथ चिकन क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल साइंटिस्ट जबवास कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर इन्होंने यही कहा था कि हमारे जो इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के अंदर जो डाइट बनती है ना, उनके लिए खाना बनता है, कड़कनाथ चिकन उसमें दो। ये जो देसी मुर्गी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू है, क्योंकि इसके अंदर लो फैट होती है और हाई वैल्यू प्रोटीन होती है, आयरन, एमिनो एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बहुत कम होता है, इसीलिए उसकी टेस्ट को होते हुए नज़र में रखते हुए, लो फैट होते हुए इन्होंने यही डिसाइड किया, जबवास कृषि विज्ञान केंद्र ने सजेस्ट किया कि इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के डाइट के अंदर वो जो
खाना खाते हैं उसके अंदर भी इसको डालें। तो इसको रिसेंटली जीआई टैग भी मिल गई है गवर्नमेंट रजिस्ट्री के अंदर पिछले साल 2018 में। तो पहला एनिमल है और सिर्फ एक ही एनिमल इंडिया के अंदर जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिली है वो है कड़कनाथ चिकन, जो एमपी से बिलोंग करती है। आदिवासी कम्युनिटी जबुआ वाले इसको बहुत ज़्यादा कल्टिवेट करते हैं। अब आएंगे इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एयर क्वालिटी इंडेक्स। जो भी दिल्ली में रहते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंस है सब समझ लेते हैं, इसीलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में दिल्ली का जो सीवियर लेवल आया था, क्योंकि AQI स्कोर जो था ना, स्कोर ये जो इसके अंदर जो था, इसके अंदर 440 स्कोर आ गया था। 440 मतलब किस लिस्ट में होगा, हैजार्डस लिस्ट में, मतलब सीवियर वाली कैटेगरी में आ गए हमारे दिल्ली वाली स्टेट जो एयर क्वालिटी के अंदर। अब एयर क्वालिटी स्टेटस हमें क्या पता चलता है, वहाँ की हेल्थ स्टेटस भी पता चल जाता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स किन ऐसे पोल्यूटेंट्स के आधार पर मेजर करते हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10, 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर, अमोनिया, लेड, एंड दीज 8 पोल्यूटेंट्स को आप याद रख लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। इसके द्वारा हम एक वेटिंग मेजरमेंट के हिसाब से एक स्कोर निकाल देते हैं, उसी को कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यूज। उसके हिसाब से क्यों कौन सी ऐसी कैटेगरी में एक एक सिटी आएगी उसके हिसाब से बताते जाएंगे। तो ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि वन कलर, मतलब ग्रीन गुड होगा तो ग्रीन कलर, एक ही कलर एक तरीके का एयर क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट 2014 में ये लॉन्च किया था। और इसके अंदर ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि वहाँ पे कितना एयर पोल्यूशन हो रही है कि नहीं, IIT कानपुर और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट को सप्लीमेंट करते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाल देते हैं। तो ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। दूसरी है कुछ ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग बॉडीज के साथ बनती है सफर वाली रेटिंग। और सफर क्या होती है, एक सफर ऐसी रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि 72 आवर फोरकास्ट पहले ही बता देती है कि आने वाले 72 आवर्स में क्या पोल्यूशन उस टाइम उस जगह पे हो सकती है। 24/7 बेसिस पे करके हुए IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, दोनों मिलकर इन्होंने डेवलप किया था ये रियल टाइम सिस्टम को। ये प्रोवाइड करती है सिर्फ पोल्यूटेंट्स की नहीं, जैसे PM2.5 हो गया या फिर 10SO2O3, NOx, CO, बेंजीन, टाउलिन, ज़ाइलिन, सिर्फ यही नहीं, ये इतना भी बताती है कि PM1 पार्टिकल्स कितने हैं, मर्क्यूरी कितने हैं, सन का UV मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज इंडेक्स क्या होती है, ये सारे चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे बताती है ये सफर वाले इंडेक्स। अब आएंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। राजस्थान स्टेट बर्ड है, ये कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब 1% भी इसका पॉपुलेशन नहीं बचेगा इंडिया के अंदर, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हंटिंग हो रही है, पोचिंग हो रही है, इलेक्ट्रिक वायर्स के वहाँ पे एंटेंगल होके इसकी डेथ हो गई है, और हैबिटेट लॉस हो रही है क्योंकि हम एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। और महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात और बहुत ऐसे 11 स्टेट में ज़्यादा पाए गई ये वाली बर्ड्स जल्दी ही जल्दी लेस देन 200 नंबर पे पहुंच गई है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे इस बर्ड्स इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी को हम सेव करते रहें। देखते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको ब्लैंक क्राउन ऑन द फोर हेड वाले बर्ड कहते हैं। ये ब्राउनिश और विंग्स ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रे कलर के होते हैं। ये ईटर्स, एनिमल ईटर्स भी होते हैं और हेवीएस्ट अमंग ऑल द फ्लाइंग बर्ड्स। और इसकी डाइट के अंदर लोग इसको खाते हैं, इसीलिए इसकी हंटिंग बहुत होती है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। ये शेड्यूल 1 सेंट माइग्रेटरी स्पीशीज का कन्वेंशन में आती है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाले लिस्ट में हमारे IUCN लिस्ट के अंदर आती है और शेड्यूल 1 इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर भी आती है। इसी के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी निकाला डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर, पर इसके एफर्ट्स देखते हुए बहुत कम होता जा रहा है। यह है न्यूज। अब आते हैं पुलिकात लेक या फिर फ्लेमिंगो फेस्टिवल के बारे में। यहाँ पे पुलिकात लेक है क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे चेन्नई और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के आसपास में यहाँ पे एक पुलिकात लेक, एक ब्रैकिश, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इंडिया के अंदर पाई जाती है। यहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी है और श्रीहरिकोटा जो हमारी जो स्पेस सेंटर है वहाँ पर भी है, और सतीश धवन स्पेस सेंटर जिसको कहते हैं, ये भी इसी आइलैंड के अंदर है और ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर है, पर मोस्ट ऑफ द पोर्शन चेन्नई और आंध्र प्रदेश बॉर्डर करते हुए नजर आती है। यहाँ का जो मॉनसून क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉनसून एरिया है
और इसीलिए बर्ड्स बहुत ज़्यादा माइग्रेटरी स्पीशीज, जब भी विंटर ज़्यादा हो जाती है यूरोप और रशिया के अंदर तो फिर ये बर्ड्स आ जाते हैं हमारे ट्रॉपिकल मॉनसून एरिया पुलिकात लेक के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे रिवर्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसके कारण भी बर्ड्स आते हैं, जिसको कहते हैं अरानी रिवर, कलंगी, स्वर्णमुखी रिवर भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो बर्ड्स किस तरीके के यहाँ पे आते हैं, फ्लेमिंगोज, पेलिकन्स, किंग फिशर्स, हेरॉन्स, पेंट स्टॉक्स, स्पून बिल्स एंड डक्स भी यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑयल स्पिल्स, मैराइन केमिकल्स, श्रिम्प फार्मिंग घट रही है, मेकनाइज बोट्स के कारण, साउंड पोल्यूशन के कारण वो फिश डर के मर रहे हैं, और सीवेज, पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर केमिकल्स, इन सारे की चीज़ों की वजह से यहाँ पे बहुत नुकसान हो रही है। हर साल यहाँ पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाते हैं, कहाँ पे, नीलप्पट्टू बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल, बिकॉज फ्लेमिंगोस बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हुए यहाँ पे आते हैं हर साल ब्रीडिंग सीजन के वहाँ पे टाइम पे, तो इसीलिए फ्लेमिंगो फेस्टिवल यहीं पे बनाया जाता है। तो फ्लेमिंगो सिटो सिटी इन इंडिया कच्छ वाले रीजन पे मनाते हैं एशिया का फ्लेमिंगो फेस्टिवल, पर यहाँ पे भी बर्ड्स आते रहते हैं, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि सेनोबेलेना जॉर्ड, इसको कहते हैं ओपन एयर लैब एंड ग्लेशियर मेल्टिंग एंड मैराइन इकोसिस्टम। सो ध्यान रखिएगा इस वाले चीज़ों के बारे में, नहीं ये डायग्राम देख लीजिएगा, इसमें आप देख सकते हो कि पैंटागोनिया रीजन, चिले के जो रीजन है यहाँ पे, इसके साउथ वाले पोर्शन पे आप देख सकते हो बहुत सारे क्रीक्स जैसा, मतलब ये जो इनलेट्स है ना, इस वाले चीज़ों को ज्योग्राफी के अंदर जॉर्ड्स कहते हैं। ये मोस्ट प्रोडक्टिव मैरिन हैबिटेट्स होते हैं, क्योंकि जैसे ये इनलेट आ गए वहाँ पे पानी घुसती है अंदर, उसके कारण वहाँ पे सर्डाइंस, क्रिल फिश और बहुत सारे बर्ड्स आएंगे यहाँ पे, बहुत ही रिच वेजिटेशन होगा यहाँ पे, इसी को जॉर्ड कहते हुए ये लॉन्ग नैरो इनलेट होगी इन किसके अंदर, लैंड के अंदर, इसको ग्लेशियर से फिल हो जाएगा या फिर पानी के साथ फिल हो जाएगा, सी वाटर भी आ जाएगी इसके अंदर, यू शेप वैलीज भी होते हैं, सी वाटर भी हो जाएगा। ये ओपन एयर लैब क्यों होती है, एयर लैब इसीलिए बनती है क्योंकि यहाँ के जो केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल वेरिएबल्स होती है ना, यहाँ का बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होता है पीएच का, सेलाइनिटी का, कैल्शियम लेवल का, तो इसीलिए इसको ओपन एयर लैब कहते हैं। अब ग्लेशियर मेल्टिंग एंड मैराइन इकोसिस्टम क्यों कहते हैं, यहाँ के जो फ्रेश वाटर राइज इन लेवल, फ्रेश वाटर जब रेनफॉल होती है और फिर फूड चेन इफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण बेल्स एंड डॉल्फिन्स भी यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मैराइन ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे ज़्यादा पर प्रतिशत में देख सकते हैं, कैल्शियम वाली जो चीज़ें इस वाले रीजन पे ज़्यादा पाई जाती हैं, इसकी वजह से मैराइन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो शेल बनती है वो भी ज़्यादा बनेगी, और क्रैब एंड बहुत सारे ऐसे क्रिल्स एंड सील्स और बहुत सारे वैरायटीज मिलते हैं इस वाले रीजन पे, तो इसीलिए इसको ओपन एयर लैब और ग्लेशियर मेल्टिंग और मैराइन इकोसिस्टम पे नाम पे बताते हुए सेनोबेलेना जॉर्ड कहते हैं, ये जो चिली के नीचे साउथ पोर्शन में होगा। तो ये है ये वाला जो करंट अफेयर्स में था। अब आते हैं बांदीपुर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। अब बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे, चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अंदर नगरहोल, मुदुमलाई, सत्यमंगलम और वायनाड, ये तीनों रीजन्स आएंगे इसके बांदीपुर के अंदर ही। अब रिसेंटली 2014 एस्टिमेट्स के कारण 150 टाइगर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ऐसे कहते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और बांदीपुर के अंदर 1600 एलिफेंट्स, बहुत ज़्यादा, सिंगल लार्जेस्ट एलिफेंट वाली रिजर्व जो पॉपुलेशन बनती है एशिया के अंदर, ये बांदीपुर में बनती है। पर रिसेंटली क्या हो गया था, हंटिंग बहुत हो रही है, बीच में रोड भी बना रहे हैं नेशनल हाईवे, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। तो इसीलिए न्यूज़ में इसीलिए थी क्योंकि एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने डिसाइड कर लिया कि यहाँ का इकोसिस्टम खराब हो रही है, तो हम थोड़ा सा फ्लाईओवर जैसे रोड्स बनाएंगे ताकि इस फॉरेस्ट के अंदर रोड्स ना पहुंचते हुए। ये था न्यूज़, और बांदीपुर नेशनल रिजर्व के बारे, नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा याद रखना होगा। यहाँ के जो एनिमल्स, इंपॉर्टेंट एनिमल्स क्या पाए जाते हैं, गौर, सांबार, चित्तल, माउस डीर, फोर हॉर्न एंटीलॉप, वाइल्ड डॉग्स, वाइल्ड बोर जकैल, देन मालाबार स्क्विरल, पॉक्यूपाइंस और मुदुमलाई, वायनाड और सत्यमंगलम, ये सारे रिजर्व्स बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर ही आते हैं। क्योंकि पिछले साल पूछा गया था कि फाकोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे पाई जाती है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स एंड कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स और अच्छे से बायोस्फीयर रिजर्व्स भी याद रख लीजिएगा। अगर आपने पढ़ा नहीं हो अभी तक, आप ज़रूर हमारे एनवायरमेंट सीरीज को देख लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे मटेरियल सपोर्ट भी दे रखी है, फ्री मटेरियल पीडीएफ डाउनलोड करके आप सप्लीमेंट कर सकते हो, वीडियो
वीडियो सेशंस के थ्रू, सो जरूर देखिएगा आपको अगर कुछ डाउट होगा तो। अब आते हैं बित्तर कनिका और गहिर माता के बारे में। जैसे ये वर्ड्स आएंगे आपको सीधा पहुंचना चाहिए आपको उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पे जो चांदीपुर के आसपास में ये जो गोपालपुर वाले बेस में है ना, यहाँ पे बित्तर कनिका और गहिर माता सेंचुरीज हैं। और ये केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, जहाँ पे ब्राह्मणी, बैतरनी और धामरा रिवर्स पास होती हैं। ये सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव सिस्टम है हमारे वेस्ट बंगाल के बाद। और यहाँ पे ऑलिव रिडली भी ज़्यादा पाई जाती है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और हेरॉन्स बाघागहन जिसको कहते हैं, हेरॉन्स के कॉलोनीज को सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स के अंदर। इस यहाँ के जो रीजन्स के क्रोकोडाइल्स हैं वो बहुत लंबी चौड़ी एकदम सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स यहाँ पे पाई जाती हैं। और यहीं पे धामरा रिवर के ऊपर ही हमारी जो गहिर माता सेंचुरी है वो भी पाए जाते हैं महानदी रिवर के अंदर। यहाँ पे ऑलिव रेडी टर्टल्स भी ज़्यादा पाए जाती है। ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों थी, यहाँ का इरेवाड़ी डॉल्फिन जो ज़्यादा पाए जाते हैं उसकी काउंटिंग हो रही थी कितने कितने नंबर्स में यहाँ पे इरेवाड़ी डॉल्फिन्स है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में थी बित्तर कनिका और गहिर माता। अब आते हैं लोकताक लेक और सांगाई डियर के बारे में। लोकताक ऑलरेडी पूछा गया था पर आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना का होगा क्योंकि जो भी बच्चे अभी नए पढ़ने वाले हैं या फिर फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको थोड़ा सा उससे जानकारी होनी चाहिए इसलिए लोकताक लेक और सांगाई डियर के बारे में। अब सांगाई डियर देख लेते हैं। सांगाई डियर एक ऐसी वेराइटी है जो कि एक रेयर एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ब्राउन एंटलेट डियर। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में ये ब्राउन और एंटलेट डियर है, एंडेमिक है मतलब उसी रीजन में पाई जाती है, स्टेट ऑफ मणिपुर का एनिमल है। और ये क्यूबुल लमजाओ नेशनल पार्क साउथ ईस्टर्न रीजन जो कि मणिपुर के अंदर जो साउथ वेस्ट पोर्शन में होगा वहाँ पे ये डियर ज़्यादा पाई जाती हैं। ये जैसे उस वाटर के ऊपर डांसिंग करते नज़र आता है क्योंकि वहाँ के जो फुंडिस वाली वेजिटेशन है ना, फुंडिस एक फ्लोटिंग वेजिटेशन है, उसके कारण जैसे उस पर आप भी स्टेप करोगे ऐसा लगेगा कि आप डांसिंग करते जा रहे हो, तो फुंडिस इसीलिए इसको डांसिंग डियर नाम दिया गया है। ये एंडेंजर्ड लिस्ट में आती है सांगाई डियर, तो यही है इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ सांगाई डियर। इसी के कारण रामसर कन्वेंशन भी इंपॉर्टेंट बनेगी क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे बर्ड सेंचुरी बिल्ड करने का सोच रहे थे गवर्नमेंट, पर लोकल पीपल ने मना कर दिया था कि आप ऐसे कर नहीं कर सकते, बर्ड सेंचुरी बना दिया उसके बारे में क्या हो, उसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट की फुल कंट्रोल हो जाएगी। उसके कारण जो भी लोकल ट्राइबल एरिया लोकल कम्युनिटीज हैं जो उनके खाना पीना उस पे उस लोकताक लेक पे डिपेंड होती है वो बंद हो जाएगी, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। और रामसर कन्वेंशन इस यहाँ पे फिर आएगी क्योंकि ये एरिया एक वेटलैंड्स की तरह भी काम करती है, तो रामसर कन्वेंशन इसी दौरान हम पढ़ लेते हैं लोकताक लेक क्योंकि फ्रेश वाटर लेक होते हुए मोरियांग ऑफ मणिपुर रीजन में देखने को मिलेगा। लोकताक लेक वहीं पे क्यूबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी देखा जाएगा, सांगाई डियर जहाँ पे ज़्यादा पाई जाती हैं। ये वेटलैंड है रामसर कन्वेंशन के अंदर, इसीलिए रामसर कन्वेंशन के बारे में भी पढ़ लेंगी साथ ही साथ। तो रामसर कन्वेंशन 1971 में जो शुरू हुई थी ईरान के अंदर सिटी ऑफ रामसर के अंदर, इन्होंने ये कहा था कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी बना देते हैं जिसके कारण कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स हो जाएगी। और इसके पार्टनर्स कौन कौन होंगे, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, WWF इंटरनेशनल, वेटलैंड्स इंटरनेशनल और IUCN एंड IWMI, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलके एक वेटलैंड कंजर्वेशन बॉडी बना देंगे। ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर्स बना दिया जाएगा और हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मना जाता है। और अब आते हैं दूसरी माइग्रेटरी स्पीशी और बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल स्पीशी है जो कि हम देख सकते हैं कंट्री साइड के वहाँ पर। रिसेंटली 2013 से देखोगे तो UP के अंदर ये बर्ड्स, ये जो सैरस क्रेन वाली पॉपुलेशन है ये ज़्यादा बढ़ती गई, इसी के कारण ये न्यूज़ में थी। अब देख लेते हैं कि सैरस क्रेन होती क्या है। इसको ग्रस एंटीगोन कहते हैं साइंटिफिक नाम के अंदर। ये रेड अपर कॉलर और वाइट कॉलर होती है, नेक एंड वाइट कॉलर डिस्क्रिप्शन। और ये टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, इंडिया का ब्रीडिंग क्रेन है जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहती है। और ये UP का स्टेट बर्ड भी है। तो अभी इसका रेंज कहाँ तक पहुँच गई, नेपाल और पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान तक भी इसको देखने को मिलेगा। और इसकी इकोलॉजिकल स्टेटस, इकोलॉजिकल बैलेंस और ओमनिवोरस फूड चेन फूड वेब को बैलेंस करते हुए एक नेचुरल वेटलैंड्स में पाई जाती है ये वाली सैरस क्रेन। इसकी स्टेटस अभी क्या है, इसकी स्टेटस वल्नरेबल लिस्ट पे आती है,
वल्नरेबल मतलब अपेंडिक्स टू वाले लिस्ट में साइट्स के अंदर आती है, जो कि शेड्यूल फोर के अंदर इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बनी हुई है। ये है सैरस क्रेन के बारे में। अब आते हैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने परमिशन दे दिया कि प्राइवेट मिनी हाइडल प्रोजेक्ट को एक कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बनाने का, इसीलिए ये न्यूज़ में थी। जैसे आप प्राइवेट वाले चीज़ों को वहाँ पे ज़्यादा बनाने का सोचोगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो जाएगा, क्योंकि कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक इको सेंसिटिव जोन है। तो इको सेंसिटिव जोन होता क्या है? एक ऐसी इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकली वल्नरेबल जोन जहाँ पे मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया था, इन्होंने ये कहा था कि ऐसे वाले रीजन जो शॉक एब्जॉर्बर्स की काम करती है, रिच वैल्यू यूनिक कल्चर होती है इसके अंदर, तो इसको हम डैमेज कर दिया तो हम वापस नहीं लेकर आ पाएंगे। यही है इसकी जो यूनिकनेस है इको सेंसिटिव जोन का। तो हम जैसे डैमेज करते रहेंगे इसकी बायोलॉजिकल और बायोडाइवर्सिटी रिचनेस कम होती जाएगी। ये है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स के बारे में। अब आएंगे नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल मंगल जोड़ी इको टूरिज्म ट्रस्ट। अब फर्स्ट देख लेंगे कि न्यूज़ में क्यों थी ये वाली इश्यू, क्योंकि एक 2 डे फेस्टिवल बना दिया गया था मंगल जोड़ी ऑन द बैंक्स ऑफ चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर, और चिल्का बर्ड फेस्टिवल ने अवार्ड दिया था मंगला जोड़ी इको टूरिज्म ग्रुप को, क्योंकि उन्होंने बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने में बहुत सहायता दी। तो नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल होता क्या है? ये बर्ड फेस्टिवल बर्ड पैराडाइज ऑफ एशिया कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज यहाँ पे देखने को, पीपल ऑल्सो कैन विजिट, हम भी देख सकते हैं, और यहाँ पर माइग्रेटरी वो भी स्पीशीज देखने को मिलेगा, जहाँ पे एंडेंजर्ड बर्ड्स भी देखने को यहाँ पे मिलेगा इस वाले रीजन पे, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट बर्ड्स कहाँ कहाँ से आते हैं, बहुत डिस्टेंस से आते हैं। तो चिल्का क्यों माइग्रेटरी बायोडाइवर्सिटी रीजन बन गई? क्योंकि चिल्का के अंदर आप देख सकते हो कि एक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कह सकते हैं चिल्का के अंदर, मतलब एक एशियन रूट के थ्रू सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाती है ये बर्ड्स। वेराइटी ऑफ हैबिटेट बर्ड्स होते हैं, मड फ्लैट्स, फ्लोटिंग एंड सबमर्ज वेजिटेशन, बहुत सारे सेलाइनिटी, इतने सारे फीचर्स होते हैं, होने के कारण ये बर्ड्स को एक मौका मिल जाएगा वहाँ पर रहने के लिए माइग्रेट करने के टाइम पर। माइग्रेट मतलब देखिए, माइग्रेट का मतलब है कि आप अगर यहाँ से लद्दाख जा रहे हो, मतलब दिल्ली से लद्दाख जा रहे हो, तो बीच बीच में रुकोगे ना कहीं, तो कहीं ना कहीं रिफ्रेशमेंट के लिए रेस्ट तो ले लोगे ना, उसी को माइग्रेटरी रूट कहते हैं। माइग्रेट होने का, जैसे आप सोच रहे हो लद्दाख जाने तक, बीच में जहाँ पे भी रुकोगे आप, कहाँ रुकोगे, जहाँ पे आपको अच्छे से फैसिलिटीज मिलेगी, ठीक वैसे ही बर्ड्स को जहाँ पे भी अच्छी फैसिलिटीज, पानी वानी मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, वहाँ पे रहती है ये बर्ड्स। तो ये है मंगला जोड़ी इको टूरिज्म ट्रस्ट को उन्होंने प्राइस दे दिया कि आप अच्छे से देखभाल कर रहे हो बर्ड्स को, और हमारी नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल कहाँ पे होती है? चिल्का लेक पे होती है, और इसी के कारण नालबाना बर्ड सेंचुरी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ये बर्ड सेंचुरी नालबाना आइलैंड चिल्का लेक के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया था। ये फ्लैमिंगो ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये मानसून के टाइम पे जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है तब ये वाली बर्ड्स यहाँ पे जो फ्लेमिंगोस आते हैं वो आना बंद कर देते हैं, और इसे यहाँ पर भी नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल यहाँ पे भी बनाते हैं हर साल, और हम जैसे लोग वहाँ पे जाके हम देख सकते हैं बर्ड्स को, देख सकते हैं वहाँ पे। और मंगला जोड़ी ट्रस्ट के बारे में आपको बता दूँ, एक ऐसा इको टूरिज्म ट्रस्ट, मतलब एक ट्रस्ट है एनजीओ की तरह, जहाँ पे ये अवेयरनेस फैलाती है कि हम बर्ड्स को, उनकी बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए हंटिंग कम करते हुए, बर्ड्स को हंटिंग क्यों करते हैं, उनके फ्लैश को खाने के लिए, वो कम करने के लिए, वैसी वाले अवेयरनेस को ना ज़्यादा बढ़ाते हुए मंगला जोड़ी इको टूरिज्म ट्रस्ट काम करती है। ये है पूरी की पूरी स्टोरी ऑफ नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल एट ओडिशा। अब आते हैं अमूर टाइगर के बारे में। यहाँ पे एक टाइगर जो पिक्चर में देखने को मिली है, ये टाइगर है पैंथरा टिग्रिस अल्टेशिया, इसका साइंटिफिक नाम है। ये लार्जेस्ट बिग कैट है, जो कि साइबेरियन टाइगर्स भी कहते हैं इन लोगों को, और ये लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट ऑफ ऑल कैट्स, क्योंकि इसकी थिक फर उसके ऊपर जो स्किन होती है ना वो बहुत ही थिक होता है, इसीलिए पोलार एरियाज में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, मतलब ये सह सकती है उस टेम्परेचर को। अडेप्टेड इन हार्श कोल्ड क्लाइमेट्स, इसीलिए ये वहाँ पे पाई जाती है रशिया, फारिस, नॉर्थ ईस्ट चाइना के अंदर, और ये एंडेंजर्ड वाली लिस्ट में आती है
IUCN रेड लिस्ट के अंदर। अब आएंगे देखेंगे कि ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम थर्ड स्टॉक कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि सेकेंड टाइम इंडिया के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई 2019 में, 2012 के बाद। यहाँ पे 13 टाइगर रेंज कंट्रीज ने यही डिसाइड किया। टाइगर रेंज कंट्रीज कौन कौन से हैं ये मैप में देख लीजिए। टाइगर रेंज कंट्रीज 13 रेंज कंट्रीज आते हैं, जो कि शुरू होती है बांग्लादेश, बांग्लादेश, भूटान, कैम्बोडिया, चाइना, इंडिया, लाओस, लाओस एंड देन मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया एंड देन नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो पूरे के कुल मिलाकर 13 कंट्री, सारे के सारे कंट्रीज मैप लिस्टिंग में दिया हुआ है, प्लीज़ डू चेक इट आउट। एंड आप ध्यान में रख लीजिए कि कितने कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया के, साउथ एशिया कंट्रीज में आते हैं, क्योंकि इन्होंने यही कहा था कि 2022 तक हमें कैसे भी करके पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स का 2022 तक रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने ये कहा था कि हम अप्रोचेस के हिसाब से, कैसे अप्रोच के हिसाब से, कंजर्वेशन स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, ताकि पोचिंग जीरो कम करते हुए, इलीगल वाइल्ड ट्रेड ट्रैफिक को रोकते हुए, हम इंश्योर करेंगे कि टाइगर्स और पीपल दोनों आपस में अच्छे से रहें, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के तरह, और अच्छे से दोनों की देखभाल हो जाए, दोनों की एक सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट हो जाए उस रीजन में। तो इसी के कारण कंजर्वेशन अश्योर टाइगर स्टैंडर्ड्स पार्टनरशिप के दौरान 7 पिलर्स और 17 एलिमेंट्स के हिसाब से क्रिटिकल मैनेजमेंट एक्टिविटी, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ टाइगर्स को एक घर मिल जाएगा रहने के लिए बिना कोई डर से। तो यही है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के बारे में। तो ये डिफरेंट, इसी को ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम शुरू कब हुई थी, 2010 में, जहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में एक टाइगर समिट हुई थी, वहाँ पे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 2022 तक हम डबल कर देंगे टाइगर पॉपुलेशन को। जैसे ही सोच लीजिए कि अभी 1000 होगा, 2010 में जब शुरू हुआ तो उस टाइम पे अगर 1000 पॉपुलेशन है, 2022 तक उसको 2000 पॉपुलेशन करना है, तो डबल करना है उस नंबर्स को। तो ये एक टाइगर रेंज कंट्रीज कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, कैम्बोडिया, चाइना, इंडिया, रशिया, नेपाल, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार एंड इंडोनेशिया। ये ग्लोबल गोल है, ये एक एक कंट्री का गोल नहीं है, पूरे का 13 कंट्रीज का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वाई ओनली दीज 13 कंट्रीज मिलकर सोच रहे हैं, क्योंकि इसी जो कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में थी। और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूपीएससी में भी कि पार्टनरशिप ऑफ एक्शन ऑन ग्रीन एनर्जी, तो ऐसे ही जो टाइगर रिकवरी प्रोग्राम्स या फिर कोई भी ऐसा प्रोग्राम्स हो, इंटरनेशनल बॉडी हो, इम्पॉर्टेंट बन जाती है यूपीएससी के कारण। तो आप ध्यान रख लीजिएगा इस इश्यू के बारे में। अब वन लाइनर्स पे आ जाते हैं, मतलब इसके बारे में इतना ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, ये थोड़े थोड़े वहाँ यहाँ वहाँ हिंदू न्यूज़पेपर में आए थे, तो यहाँ पे अटैच कर दिया गया था। पहला है सेफाजालय जियोलॉजिकल पार्क, एक रीओपन हुई थी फिर से त्रिपुरा के अंदर। बस आप लोकेशन याद रख लीजिए, सेफाजाला जू त्रिपुरा के अंदर, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क टैग मिली थी, लंगूर मंकी यहाँ पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट वन लाइनर इज इदुमिशी। इदुमिशी क्या है, अरुणाचल दिबांग वैली पे इदुमिशी एक कम्युनिटी है, जो कि टाइगर्स को अपना बिग ब्रदर्स मानते हुए उनकी देखभाल करती है, ताकि पोचिंग ना हो उनको। एक यूनिक कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है, जो कि आप एनवायरमेंटल आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये है वन लाइनर्स, और इससे ख़त्म हो जाती है आपकी फर्स्ट पोर्शन ऑफ एनवायरनमेंट सीरीज, जो कि जनवरी से जून तक लेकर आ रहे हैं। तो चार सीरीज में हमने जनवरी से जून 2019 को कवर करने का सोच रहे हैं। तो ये पहला सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन तक जय हिंद।